मुंबई पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के ऐसे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मारुति कंपनी के उन VS4 इंजन वाले प्रतिबंधित वाहनों को बेचने का काम करते थे जिन्हें प्रदूषण फैलाने के मामले में मार्च 2020 से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी ऐसे कारों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब आदि राज्यों में फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच देते थे। अब तक 400 कारों के बेचने का खुलासा हुआ है जिनमें से 151 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्वीर में दिख रही ये कारें किसी रेस या प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है बल्कि नवीनबई पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह से जब्त की गई हैं। मामले में शाबान रफीक कुरैशी, आनम सिद्दीकी, वसीम मोहम्मद शेख, गौरव देम्बला, चंद्रशेखर गाड़ेकर, प्रशांत शिवरार्थी समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि यह गिरोह स्क्रैप के लिए नीलाम किए गए ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की इन कारों की चेसिस पर फर्जी नंबर डालकर बोगस दस्तावेजों के जरिए अलग अलग राज्यों में बेचा करता था। इन कारों में VS4 इंजन लगे हैं जिन्हें सरकार ने मार्च 2020 में ही प्रतिबंधित कर दिया था जिसके बाद कंपनी ने इन्हें स्क्रैप करने के लिए नीलाम किया। पुलिस आयुक्त के अनुसार अब तक 407 कारों के बेचने का खुलासा हुआ है जिनमें से 151 कारें जब्त की गई हैं। इस पर पुलिस आयुक्त ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। ये देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे करीब 151 गाड़ियाँ हमारे पास अभी जब्त हुई हैं। ये सभी गाड़ियाँ आपके सामने हैं यहाँ पे। इसकी कीमत अभी जो उसके हिसाब से करीब 7 करोड़ के ऊपर की गाड़ियाँ हैं क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कम में उन्होंने गाड़ी बेचने की कोशिश की है। और जो पूरा जो केस है अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मार्च 2020 के बाद में ये जो BS4 की जो गाड़ियां हैं इनका रजिस्ट्रेशन और सेल दोनों बंद कर दिया गया था। और ये मारुति कंपनी की गाड़ियां हैं, ये जो कार्स हैं उन्होंने कंपनी ने गाड़ियां स्क्रैप में दी, ऑक्शन किया उसको, कुछ लोगों को उन्होंने ऑक्शन किया था, उन्होंने फर्दर उसको किसी और कंपनी को, जो ऑटो ऑक्शन कंपनी जिसका जो आरोपी है वो सनम सिद्दीकी करके मेन आरोपी है, तो कुछ गाड़ियां उन्होंने ली, 406 गाड़ियों का ऑक्शन लिया उसमें से। और ये फिर ये गाड़ियों का स्क्रैपिंग होना चाहिए था, उन्होंने स्क्रैप न करके ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड ने जो उनको गाड़ी दी ऑटो ऑक्शन वाले को, उन्होंने उसका ये जो चेसी नंबर था वो भी उसमें से कट करके निकाल के दिया था। ये गाड़ियाँ सारी की सारी जो है ऑक्शन होंगी और ये गाड़ी दोबारा सड़क पर चलेगी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर वो उसमें गुजरात से कोई मशीन लाई और उसको वेल्डिंग करके उसमें इम्बॉस किया। अब वो जो चेसी नंबर था पहले का वो भी उन्होंने कहीं से लिया, लेकिन वो रैंडम उन्होंने कहीं पे सब गाड़ियों पे लगाई उसको, और फिर उसके डुप्लीकेट फोर्ज पेपर बनाए और कोशिश की, 7-8 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।